नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम्स 24 टावर से बैटरी। चोरी की घटना का सफल अनावरण, पिकअप वाहन 9 बैटरी व अवैध तमंचा कारतूस सहित दो चोर गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट। महोदय श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम के लिए अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रमणि त्रिपाठी एवं क्षेत्र अधिकारी मऊ श्री शीतला प्रसाद पांडे के प्रवचन में थाना मानिकपुर यह घटना टीम द्वारा दिनांक 27 तारीख 11/2022 की रात्रि में थाना मानिकपुर के ऊंचा टीवी टावर में हुई बैटरी चोर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को एक पिकअप वाहन में 9 बैटरी को अवैध कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है दिनांक 27/2/2022 की रात्रि में थाना मानिकपुर के ऊंचा डीएनसा टावर से अज्ञात चोरों ने 68 बैटरी चोरी कर ली थी, जिसमें संबंध में थाना मानिकपुर से इंडस टावर के सुपरवाइजर श्री सत्यपाल सिंह पुत्र राम कैलाश सिंह निवासी हिरनी थाना घाटमपुर कानपुर की नगर तहरीर पर मुकदमा संख्या 129/2012 धारा 457/830 आदमी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार सुधा अभियुक्तों का विवरण। संतोष कौल शिव लखनपुर ग्राम सोना डाबर थाना डबरा जिला रीवा मध्य प्रदेश। अमित साहू पुत्र ब्रिज बिहारी साहू निवास ग्राम सूरवाल चंदेल नारीवारी शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज संवाददाता अवध बिहारी चित्रकूट। टावर्स से 68 बैटरीज की चोरी की गई और तभी से हमारी जो टीम है स्वाट टीम और थाना मानिकपुर की टीम इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। जो इंडस टावर्स के सुपरवाइजर हैं उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था 457 और 380 आईपीसी धाराओं के अंतर्गत। तो आज 24/12/2022 को इस घटना का खुलासा हम कर सके हैं और दो मुख्य आरोपी संतोष कौल और अमित साहू उनकी गिरफ्तारी की है। ये एक 7 लोगों का गिरोह है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चोरियां करता है और यही इनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी है कि जो दूर दराज के देहात क्षेत्र की टावर्स हैं वहां से ये बैटरीज की चोरियां करते हैं। इनके विरुद्ध 13 मुकदमे पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं और 13 से 14 मुकदमे मध्य प्रदेश में भी पंजीकृत हैं। उनकी डिटेल सभी की प्राप्त की जा रही हैं। इनके पास से एक पिकअप ट्रक बरामद हुआ है जिसको चोरी में इस्तेमाल किया गया था। एक 12 बोर का तमंचा और लाइव कारतूस बरामद हुए हैं और 8 बैटरीज भी बरामद हुई हैं। जो अमित साहू हैं इनके पिता कबाड़ी का भी काम करते हैं और उनका यही मुख्य काम है कि जो